पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई दिनों से चर्चाएं काफी ज्यादा तेज थी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह के द्वारा लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि बिहार में इसी महीने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग कराए जाएंगे। ये बातें अभी चली रही थी कि इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लेटर जारी कर दिया है और कहा है कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग कराए जाएंगे और इसके लिए उन्होंने एक बड़ी बैठक बुला ली है। ये बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिवालय में होगी और सचिवालय में बिहार के तमाम जो मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो पहुंचेंगे और पहुंच करके जो शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति बनी है वो नीति पर नीतीश कुमार से मशवरा करते हुए दिखेंगे। अब सवाल ये है कि कौन से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, क्या टीआरई 1 या टीआरई 2 के जुड़े हुए शिक्षक हैं या फिर सक्षमता परीक्षा पास करके जो शिक्षक आए हैं उनकी होगी या फिर नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 दिनों के बाद से अपने मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आने वाले अक्टूबर के महीने में हर विभाग से जुड़े हुए मंत्रियों के साथ वो कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और बैठक में वो कई अहम मुद्दों पर फैसला करेंगे और इन्हीं अहम मुद्दों में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। सुनील सिंह के द्वारा जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से कई बार कहा गया है कि नीति बन चुके हैं, सब कुछ तैयार है, बस नीतीश कुमार के हस्ताक्षर का इंतजार किया जा रहा है। इधर बिहार के सियासत में कई तरह के मुद्दे अभी चल ही रहे थे कि बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के गुड न्यूज आ गया है। अब इसी महीने संभावित है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शायद हस्ताक्षर मिल जाए तो दशहरा खत्म होने के बाद दीपावली और छठ का गिफ्ट बिहार के शिक्षकों को नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पिछले एक सालों से लगातार चर्चा गर्म है कि बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बहाली कराया गया शिक्षकों का, हालांकि महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार थे और तेजस्वी यादव के पहल से ये सब कुछ हुआ है, तो इन सब के बीच में आपको बता दें कि तब से ही टीआरई 1 टीआरई 2 और जो नियोजित शिक्षक है या फिर सक्षमता पास किए हुए जो शिक्षक है उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पॉलिसी बनाए जाने की बातचीत कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि जो बीपीएससी से पास शिक्षक है उनको उनके जिले में से जो ट्रांसफर है वो कराया जाना चाहिए क्योंकि जाने आने की में काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार के कई ऐसे महिला शिक्षिका हैं जो अपने जिले से काफी दूर हैं और दूर रहने की वजह से उनको काफी ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो इन समस्याओं का समाधान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग निकालने जा रहा है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जल्द ही एक बड़ा अपडेट आने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर बैठक करने जा रहे हैं तो दशहरा के बाद से गुड न्यूज मिलने वाला है बिहार के शिक्षकों को। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।